आज जैसे कि हम जो सबसे पहले एंजल्स होती हैं वो होते हैं हमारे आर के एंजल एरियल। तो आज हम आर के एंजल एरियल के बारे में बात करेंगे। मैडम, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू। कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यस, मैडम, ऑर्डिनरी थॉट और एंजल का इंट्यूशन, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? अभी बताते अभी बताते देखिए, ऑर्डिनरी थॉट में और एंजल्स के बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा, है ना? किस तरीके से आप उनको समझ पाएंगे? तो ये आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी जैसे जैसे आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, आपको इंट्यूशंस आती जाएंगी, आपको महसूस होंगे। जब आपके कोई काम बन रहे हैं, अगर सपोज करिए आप कहीं मार्केट आपको कहीं मार्केट जाना है और आप उनको बोल के जा रहे हैं कि भाई मुझे ये सामान लेना है, तो आप खुद से ही देखेंगे कि आप उस ही दुकान पर जाकर रुकेंगे या आपके दिमाग में वो अचानक से वो शॉप आ जाएगी, कोई भी चीज अचानक से आपको क्लिक कर जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको पता चलेगा कि हाँ, एंजल्स आपके साथ है। ऑर्डिनरी थॉट्स में तो हम विचार करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि मैं ये डिसीजन लूँ या मैं वो डिसीजन लूँ। लेकिन जब हम किसी के साथ, अगर जब सपोज करिए आप खुद अपने विचारों में हैं, तो आप अपने विचारों में सोचते रहेंगे। लेकिन अचानक से आपको कोई फ्रेंड आ जाए, आपका फ्रेंड आपको बोले कि ये काम कर लो, तो आपको एक हेल्प मिल गई उस व्यक्ति से और आप वो काम आपने कर दिया। तो उसी तरीके से जरूरी नहीं होता ना कि एंजल्स खुद आके आपको बताएंगे, वो आपको ऐसे किसी फ्रेंड के थ्रू बता सकते हैं, आपको इंट्यूशन के माध्यम से बता सकते हैं, आपको मार्केट में जाते जाते कोई शॉप आपको एकदम से क्लिक कर सकती है। तो इस तरीके से वो आपके साथ होगा। बाकी देखिए, जितना भी ऑकल्ट साइंस होता है, जो भी आप यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर आपका कोई भी लॉजिक, अगर आप लॉजिक से चलेंगे तो आप कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन अगर आप बिलीव आपका होगा कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर वो वैसा ही होता है। ठीक है, हालांकि अगर आप लॉजिकल, बहुत ज्यादा लॉजिक माइंड से चलते हैं, तब भी अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और जब आपके काम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे विश्वास भी होने शुरू हो जाते हैं। मैंने बोला कुछ लोगों को जल्दी विश्वास होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए, ये है हमारे आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल इज अ ब्यूटीफुल गॉड। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको ज्यादातर देखिए, आप इनके कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन ये खुद आपको महसूस होने लग जाता है कि ये एक फीमेल जेंडर है या फिर ये एक मेल जेंडर है। अगर आप में से कोई बता सकता है कि आर्कएंजल एरियल आप कैसा फील कर पा रहे हैं उनके नाम को सुनकर, इट इज अ फीमेल और इट इज अ मेल, क्या महसूस? आई थिंक मेल मैम। मेल महसूस कर रहे हैं, देख के नहीं, अच्छा, खाली महसूस करिए अपनी सोच से। मेल ही मतलब मेल वाला वो या वो वाइब्स रहती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपको उनको जो भी उसमें नजर आए आप वो उनको कर सकते हैं, लेकिन मेल को वो फीमेल के उसमें नजर आती। ठीक है, तो ये सब व्यक्तियों का अपना अलग अलग वो होता है, लेकिन इनका कोई अपना जेंडर नहीं होता है। आप इनको जिस भी रूप में देखेंगे, ये आपको उसी रूप में नजर आए। ठीक है, आरके एंजल एरियल को हम हमारे क्या काम आते हैं? आरके एंजल एरियल हमारे काम आते हैं जिस चीज के लिए इनको बुलाया जाता है। एक तो ये, अगर आप एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए हम आरके एंजल एरियल को बुला सकते हैं। अगर आपके घर में खूब सारे मक्खी मच्छर कॉकरोच ये सब हैं, उनको हील करने के लिए, मतलब वहां से उन चीजों को वहां से हटाने के लिए भी आप आरके एंजल एरियल से हेल्प ले सकते हैं। जब आप आर्के एंजल एरियल को इन्वोक करेंगे, अगर आपके घर में बहुत, सपोज करिए बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स हो गए,
अब आप उनको स्प्रे करते हैं, नॉर्मल लोग स्प्रे करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि एक प्रकार की एक जीव हत्या होती है जब आप लोग एक ऑकल्ट साइंस के अंदर आते हैं, लेकिन वो जरूरी भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, तो वो जरूरी भी है, क्योंकि इस संसार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ह्यूमन बींग है। सबसे इंपॉर्टेंट भगवान ने ह्यूमन को बनाया है ना, उसको सारे फैसिलिटीज दी है, सब कुछ उसको दिया है, उसको बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दिया है, वो अपने ज्ञान से अपनी मुक्ति की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एक उस व्यक्ति को बचाने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऑकल्ट साइंस के अंदर होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट रहता है, हमें लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार की जीव हत्या होती है, ये गलत है ना। उस सिचुएशन पर आप आर्के एंजल एरियल को इन्वोक कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको रास्ता बताएंगे, वो इन चीजों को हील करें। ठीक है, और जैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, उस फ्लो के अकॉर्डिंगली आपको उसमें चलना पड़े। अगर ये जरूरी है कि आपको स्प्रे करना है, ये जरूरी है कि आप वो जो कॉल करते हैं ना, बुलाते हैं उनको कि वो क्लीनिंग करने के लिए, तो अगर ये जरूरी है तो वो रास्ते ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में बनेंगे। आपको उसके लिए आप ट्राई करके देखना कि पहले आप उस चीज को बोलना, अगर कोई आपकी बात को सुन रहा है, और अगर कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, और जब आपकी कोई बात को नहीं सुन रहा है और उसके बाद आप एंजल्स को इन्वोक करें, उनसे प्रार्थना करें, उसके बाद आप देखें कि वो व्यक्ति आपकी बात सुन 101% सुनेगा ही सुनेगा। आरके एंजल एरियल को हम इन्वोक करते हैं मनी के लिए। सपोज आपको मनी की जरूरत है, अगर आपको सपोज किसी से कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, मतलब आपको पैसा चाहिए अचानक से, और आपके आपको नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, और आपको पता है कि शायद आपको आपका फ्रेंड से हेल्प हो सकती है, या आपको अपने किसी सिस्टर ब्रदर इनसे हेल्प हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक झेप होता है कि मैं कैसे उनसे बोलूं कि मुझे ये चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। ठीक है, उसके पास है लेकिन वो कहीं मुझे मना ना कर दे। आप देखना, आप जब एंजल्स को प्रेयर करेंगे, आप उनसे ये मत बोले कि मुझे चाहिए, आप बोले अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है और इसके साथ मेरा काम हो सकता है और मैं उसे वापस भी कर दूंगा, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है और आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो मेरी हेल्प करें। उसके बाद वो एंजल्स अपने आप आपकी हेल्प करें। ठीक है, अगर वो आपके लिए जरूरी होगा तो एंजल्स आपकी वहां पर हेल्प करेंगे, अगर वो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है तो वो आपको कोई और रास्ता बताएं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो 101% हमारी वो चीज हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो चीज हमारे भले में ना हो, लेकिन हम जो चाहते हैं, अगर हमने जो हम चाहते हैं उसको हम जिस तरीके से चाहते हैं, हो सकता है वो तरीका हमारा सही ना हो, जब हम एंजल्स के साथ प्रेयर करेंगे तो एंजल्स हमको दूसरे तरीके से वो रास्ते दिखा सकते, वो तरीके हमारे बदल सकते हैं, तो हमें उनके ऊपर इन चीजों को लेकर ट्रस्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो आर्के एंजल एरियल को हम लोग बोलते हैं ये पक्षियों की, अगर किसी के घर में कोई एनिमल लवर है, या आपके घर में डॉग है, कैट है, आप उनको अगर उनके वो किसी तकलीफ में है, उनको हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप आर्के एंजल एरियल से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके उनको बोल सकते हैं कि आप इनको हील करें। आपने कैसे बोलना है, आपको सिंपल तरीके से, वैसे तो हम आपको आगे क्लास के अंदर पूरा हीलिंग सीखेंगे, लेकिन नॉर्मल भी आप उनको बोल सकते हैं कि आरके एंजल एरियल प्लीज हेल्प, जो भी उनका नाम है, प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमेशा बोलना है। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहेंगे उतना ज्यादा ही एंजल्स आपको हेल्प करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंजल्स हैं, देखिए यहाँ पे पक्षियों की वो हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारे एनिमल्स की हेल्प वो कर रहे हैं। ठीक है, और इनका दूसरा नाम जो होता है आर्के एंजल एरियल को, जो दूसरे नाम से जाना जाता है, वो होता है लॉयननेस ऑफ गॉड। कभी कभी आप देखेंगे आपको ड्रीम में लॉयन नजर आ सकता है, आपको चलते फिरते जब आप इनको इन्वोक करेंगे तो वो आपको चलते फिरते लॉयन के रूप में भी नजर आ सकते हैं। ठीक है,
तो इनका एक साइन है लॉयन। आप हीलिंग कर रहे हैं, आप किसी को अगर कोई व्यक्ति बीमार है आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो भी वो आपको लॉयन के रूप में नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये हर तरीके से आपको, जैसे हमारा एक रूट चक्र होता है जिसका हम रूट चक्र की हीलिंग करते हैं क्योंकि वो हमारे को रोटी कपड़ा और मकान देता है, उसी तरीके से आर के एंजल एरियल भी हमको रोटी कपड़ा और मकान देते हैं, प्लस एनिमल्स की हीलिंग करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये काम को करने से आपको जीव हत्या का डर है, तो आप एंजल से प्रेयर कर सकते हैं और एंजल्स आपकी उस चीज को हेल्प करेंगे। इनका जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर, और जो इनका क्रिस्टल होता है वो होता है रोज। इनको रोज रोज क्वाइट, आपने रोज क्वाइट का नाम सुना होगा, पिंक कलर का क्रिस्टल आता है रोज क्वाइट, ये इनका क्रिस्टल होता है। अगर आप इन अपने घर में जैसे इनको इन्वोक करना चाहते हैं, तो आप रोज क्वाइट का क्रिस्टल भी अपने घर में रख सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर उस तरीके के एंजल शेप में बने हुए क्रिस्टल्स भी आते हैं, आप वो वाले क्रिस्टल्स को भी वहां पर यूज कर सकते हैं, इस तरीके से सोचकर कि ये आरके एंजल एरियल है, या फिर नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी और क्लासेस के अंदर सीखा कि मदर क्वाइनेम, मदर क्वाइनेम के लिए भी हम रोज क्वाइट को ही यूज करते हैं, आप उसी तरीके से हम एंजल्स के लिए भी, जो आरके एंजल एरियल हैं उनके लिए भी हम रोज क्वाइट को यूज करते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी की रिलेशनशिप हीलिंग्स करते हैं तब भी हम रोज क्वाइट को यूज करते हैं, जब हमने किसी के अंदर लव अफेक्शन बनाना है तब हम रोज क्वाइट को यूज करते हैं, जब हमने किसी का हार्ट चक्र के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए, अगर वो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए भी हम रोज क्वाइट को यूज करते हैं। तो रोज क्वाइट के बहुत सारे फायदे हैं। अब वो आप किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से उनको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप अलग से ऑल्टर बनाना चाहें अपने घर में, तो आप इनके लिए अपने लिए घर में अलग से एक ऑल्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप